हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई एप्लीकेशन के बारे में। तो ट्रेडिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नई नई एप्लीकेशंस जब भी मार्केट में आती है तो जब भी उनके बारे में पता लगता है तो क्या इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस कैसा है, किस तरीके से वर्क करती है, लीगल है या नहीं है वर्क, किस तरीके से हमें बाकी सारी एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं तो उनसे किस तरीके से बेहतर है या नहीं है, ये सारी चीज़ हम उस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो न्यूज़ और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके उस नॉलेज के लिए। तो इसलिए जो बेसिकली अगर आप नॉलेज रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नाम बताऊंगा एप्लीकेशन का। तो सिर्फ नाम सुन के वीडियो को बंद मत कीजिएगा। द रीज़न क्या है? रीज़न क्योंकि मैं उसके बारे में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि वो यूज़ करने लायक है या नहीं, और अगर फ्यूचर में आप यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है बाकी एप्लीकेशन के ओवर, यानी अगर हम बाकी एप्लीकेशन को देखें कंपैरेटिवली कौन सी एप्लीकेशन बेटर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो नाम है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का नाम है OctaFX। OctaFX लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो ये एप्लीकेशन है, आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा है। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, काफ़ी नई एप्लीकेशन है और कल ही मैंने इसके बारे में मुझे पता लगा। तो मैं डेफिनेटली जो है वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द इस पे लेके आ रहा हूँ। एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, बट जो मोटिवेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस एप्लीकेशन पे मैं बताऊँ तो थोड़ा लंबा है बाकी सारी एप्लीकेशंस को लेके। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यूज़र इंटरेक्टिव इंटरफेस नहीं है। ठीक है, मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये एप्लीकेशन, ये जो वीडियो है जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको यूज़ करनी है एप्लीकेशन, यूज़ करो, नहीं करनी मत करो, बट डेफिनेटली ये जो वीडियो है इससे आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी कि यूज़ करना किस तरीके से फ़ायदेमंद है और नहीं है। बाकी आपकी जो पैसा है आपका रिस्क है और आपका ही लॉस भी आपका होता है, प्रॉफिट भी आपका ही होता है। ठीक है, तो चॉइस भी आपकी ही होनी चाहिए। तो इंटरफेस जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके का नहीं खुलने वाला है। सबसे पहले जो इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो वहाँ पे तीन जो फॉर्म होंगे आपको रजिस्टर करने होंगे, भरने होंगे। तीन फॉर्म जैसे ही आप फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा स्टेप है, 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे मुझे लगता है उसमें, और फिर आपका जो प्रोफाइल है आ जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जो नॉट वेरीफाइड लिखा है तो यहाँ पे आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं किया है। यहाँ पे टॉपअप का मतलब जो है डिपॉजिट से है। तो जैसे ही आप बोनसेस और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, अब न्यू इंटरनल ट्रांसफ़र ये कुछ नया ऑप्शन यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्केट इनलाइट्स, प्रॉफिट कैलकुलेटर, ट्रेडविन शॉप्स और आवर ऑफर्स। ऑफर्स मुझे कुछ खास लगे नहीं इनके। इनका ऑफर ये है कि जब भी आप इसे डिपॉजिट करोगे तो आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे, तो बस इस तरह का कुछ ऑफर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे को $5,000 जो है ऑलमोस्ट मुझे मिले हैं बोनस में। अब जब भी आप इसमें ट्रेड करेंगे तो कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बहुत। अब सबसे पहले आपको चूज़ करनी होगी कोई करेंसी जिसमें आप ट्रेड करें। तो करेंसी आपको मैं चुन लेता हूँ, जैसे 79 प्रॉफिट पे चल रहा है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके के इंटरफेस में। अब देखिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं पैसा कि कितना पैसा आपको चाहिए। बहुत ही स्लो है, देखिए मुझे $1 करने के लिए यहाँ पे 100 बार क्लिक करना पड़ेगा, बहुत ही पुअर इंटरफेस है। अब जैसे कि मैं $50.50 पे मैं बैट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन दिख रही हैं, ग्रीन और ऑरेंज, तो ये सेलर्स और बायर्स का लाइन्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली जैसे ट्रेड करते हैं, ऊपर देखिए सेल और बाय लिखा है, तो अगर आपको लगता है सेल ज़्यादा होगी तो सेल पे क्लिक कर दो, मतलब नीचे जाएगा तो सेल पे, और अगर आपको लगता है अप हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन पे आपको करना है क्लिक।
और क्लिक करने के बाद देखिए आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब क्लिक कर दिया। जैसे मैंने अब क्लिक कर दिया है और यहाँ पे बाय का जो है, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो बाय का लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में बाय 0.5 लिख के आ गया है। ये ट्रेड कब क्लोज होगी, क्लोजिंग की टाइमिंग यहाँ पे हमारे साथ शेयर ही नहीं की गई है। यहाँ पे कोई शेयरिंग भी नहीं है कि क्लोज कब होगी बिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम सेट करने का मुझे कुछ भी ऐसा इंटरफेस नहीं दिखा जहाँ से हम टाइम जो है सेट कर पाए। बेसिकली सेटिंग में भी अगर मैं जाता हूँ वहाँ भी कुछ नहीं है, थीम है बस और यहाँ पे आस्क लाइंस हैं और कुछ नहीं मिलेगा। ट्रांजेक्शन ऑर्डर्स में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे दो मैंने बेट की थी, एक प्रॉफिट में था एक लॉस में था। तो यही ये जो इंटरफेस है आपको जो मैंने बताया है इस तरीके के इंटरफेस में आप बैट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डिपॉजिट के लिए इंडियन अकाउंट डेफिनेटली नहीं चलेगा आपका, ठीक है, स्क्रिल का अकाउंट चाहिए आपको या फिर नेट स्ट्राइलर का अकाउंट चाहिए। मतलब जो कंप्लीट पैकेज में अगर मैं कहूँ एक बहुत ही कम शब्दों में, तो एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, यूज़ करने में थोड़ी मुश्किल है। तो अगर इंडियन है या फिर इंडियन नहीं भी है और थोड़ा यूज़र इंटरेक्टिव इंटरफेस अगर आपको चाहिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये एप्लीकेशन, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। बताना मुझे ज़रूरी लगा, वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें फिर अगर आपको अच्छी ना लगे तो क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है वीडियोज़ में डालता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आती होगी। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माफ़ी चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।